हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चंस का सीरीज का प्रैक्टिस मैं डेली बेसिस पे आपको करा रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि अब उत्तर प्रदेश का जो आयोग है वह बन चुका है और जल्द से यूपी में भी आपके एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी सभी वैकेंसियां आएंगी। आप तैयारी करते रहिए दोस्तों, लगातार कई स्टेट में भर्तियां रहेंगी, आपका प्रैक्टिस रहेगा, तैयारी रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन एक सीट अपना लेना चाहते हैं, तो डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए और अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि दोस्तों, आपका बीपीएससी तैयारी थी आपने भरा हुआ है, उसके बाद फोर भी आएगा और थ्री में तो फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही कम सीट दिया हुआ है, तो उसकी परवाह न करते हुए आप तैयारी करते रहिए और जगह भी भर्तियाँ आएंगी और जल्द से जल्द आप सबको सलेक्शन मिलेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थ में संतुलित आहार के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों, आप सबको पता है दूध ऐसा है जिसे हम संपूर्ण आहार कहा जाता है, कंप्लीट डाइट इसे बोला जाता है। तो दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट डाइट, संपूर्ण आहार बोला जाता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य से संबंधित अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा कौन सी है? तो इसमें रिलीजियस जो है वो सबसे पहली अवधारणा है। नेक्स्ट है, निम्न में से वृद्धावस्था में आंखों में कौन सा रोग होने की संभावना बनी रहती है? दोस्तों, तो मोतिया बिंद हो जाता है, जो हमारा आंखों का लेंस होता है उसमें सफेद परत चढ़ जाती है, तो मोतिया बिंद हो जाता है, तो धुंधला दिखाई देता है और कई बार ऐसा होता है कि उस पर काला परत चढ़ जाता है जिसे काला मोतियाबिंद कहते हैं, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की वसा का प्रतिशत मापा जाता है? दोस्तों, तो स्किन फोल्ड कैलिपर जो है जिससे शरीर की वसा का प्रतिशत मापा जाता है, स्किन फोल्ड कैलिपर से। जैसा कि आपको बीपीएससी TR3 में पूछा हुआ था, तो आप सबको ये सभी चीजें याद रखना होगा कि किन किन चीजों से वसा का आकलन किया जाता है। तो जैसे कि आपके एग्जाम में दिया हुआ था बीपीएससी TR3 में कि शरीर में वसा का आकलन करने की तकनीकी कौन नहीं है और पांच ऑप्शन भी है, ऐसा रहेगा भी। तो उसमें ऑप्शन दिया था हाइड्रोस्टेटिक वजन एंड स्किन फोल्ड कैलिपर एंड बॉडी मास इंडेक्स BMI। तो दोस्तों, वहां पे तीनों के द्वारा वसा का मापन किया जाता है, तो वहां पे क्या होगा, उपयुक्त में एक से अधिक ही राइट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लंबी हड्डियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तो आप सबको पता है लंबी हड्डियां जो है एक लीवर के रूप में कार्य करती हैं। लंबी हड्डियां जो है जो बीच में खोखली होती हैं और उसके खोखले भाग को हैवर्सियन नाल कहते हैं। उस खोखले भाग के अंतर्गत बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा होता है जिससे रक्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशीय संकुचन के दौरान मांसपेशीय परिमाण में कोई अंतर ना आए तो यह संकुचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक ये तीन विधियां होती हैं स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, जिसमें से आइसोमेट्रिक मतलब होता है आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी कि सेम लंबाई जिसमें होता है, पेशी की लंबाई चौड़ाई घटती है ना बढ़ती है और काम होता हुआ कोई दिखाई नहीं देता, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता, तो उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। और जिसमें पेशियां घटती बढ़ती हैं यानी कि कंसेंट्रिक इसेंट्रिक मूवमेंट होता है उसे आइसोटोनिक कहते हैं। जिसमें सेम गति होता है मशीनों के द्वारा किया जाता है ज्यादातर पानी वाले खेलों में जैसे कि रोइंग एंड तैराकी, उसे आइसोकाइनेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार किस ओलंपिक में खेल गांव बनाए गए थे? दोस्तों, तो पहली बार 1932 लॉस एंजिल्स अमेरिका ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाया गया था। नेक्स्ट है, हृदय दर और स्ट्रोक वॉल्यूम के अभ्यास के दौरान बढ़ जाने से, यानी कि कहना चाहता है कि अभ्यास के दौरान जब हमारा हार्ट रेट यानी हृदय दर और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या परिणाम होगा?
तो दोस्तों जब हृदय दर और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों बढ़ेगा तो किस क्या बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। यानी कि प्रति मिनट जो हृदय रक्त का पंप करता है, जितना रक्त पंप करता है प्रति मिनट में, उसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक धड़कन में बाएं अलिंद द्वारा जितना रक्त शरीर की तरफ पंप किया जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। लगभग एक धड़कन में स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70 एमएल होता है, और हार्ट रेट एक मिनट में होता है 72 बार, दोनों का गुणा करेंगे तो 5040 एमएल यानी कि 5.04 लीटर आपका कार्डियक आउटपुट आता है। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो जब हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों आपको पता है कि पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। ऊर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा होता है, और शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन होता है, शरीर की रक्षा करने वाला होता है मिनरल्स यानी खनिज लवण और विटामिन। तो जो ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों होता है। तो कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, तुरंत एनर्जी देता है, जबकि जो वसा होता है वह जो है एनर्जी देने लायक 6 घंटा में बन पाता है हमारे अंदर जाने के बाद, पेट के अंदर जाने के बाद। तो दोस्तों जो होता है ये ग्राम में 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो जो वसा होता है एक ग्राम में 9.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। तो दोस्तों ऊर्जा का स्रोत अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो वसा करता है। तो वसा जो हमारे शरीर में फैटी एसिड व ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल के रूप में बदल करके ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, मोहन एक मिनट में आराम की अवस्था में 5 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अब मोहन ही अभ्यास के पश्चात जो रिकवरी फेज होता है क्षतिपूर्ति काल में 8 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करता है। यह जो अतिरिक्त 3 लीटर हुआ ऑक्सीजन ग्रहण करता है रिकवरी के फेज में अभ्यास के बाद, तो वो क्या कहलाएगा? तो दोस्तों साधारण स्थिति में तो 5 लीटर ग्रहण कर रहा है आराम की अवस्था में, फिर एक्सरसाइज करता है, फिर रिकवरी फेज में 8 लीटर ग्रहण करता है। तो क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान उसका हृदय धड़कन बढ़ गया है और जल्दी जल्दी जो हमारा जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जितना जल्दी हम अभ्यास कर रहे थे उतना जल्दी ऑक्सीजन नहीं पूरा हो पा रहा था, तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जल्दी जल्दी हम सांस ले रहे हैं, धड़कन तेज बढ़ गया है। तो उस कंडीशन में ज़्यादा हम उस ऑक्सीजन को जो कमी हो गया है ऑक्सीजन को उसको पूरा करने के लिए 3 लीटर अतिरिक्त ऑक्सीजन हम ग्रहण किए, उसे हम ऑक्सीजन रेट यानी कि भी ऑक्सीजन डेप्थ या ऑक्सीजन रेट कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से एक मुक्केबाज को क्या कहा जाता है? दोस्तों मुक्केबाज को यानी कि बॉक्सिंग खिलाड़ी को पुगलिस्ट बोला जाता है, और जबकि बास्केटबॉल खिलाड़ी को केजर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से एंकर रनर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो रिले रेस होता है, तो रिले रेस में टीम के आखिरी धावक को एंकर रनर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शैली द्वारा एक तैराक तेज तैराक करता है? दोस्तों तैराकी की मुख्य रूप से 4 शैलियाँ होती हैं, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक। इसमें से सबसे तेज तैराकी की शैली होती है फ्री स्टाइल, उसके बाद बटरफ्लाई, फिर बैक स्ट्रोक, फिर लास्ट में ब्रेस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट दोस्तों, फॉरलेग से क्या विकसित किया जाता है? तो फॉरलेग जो है स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल, इससे सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? दोस्तों तो यहाँ पे आप एक एक करके देख लीजिएगा, हमारे अमाशय यानी स्टोमच में पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, पेप्सिन
आपका प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, एंड गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, वही पैंक्रियाज में होता है एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, एंड लाइपेज जो है वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल करके गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल करके वसा का पाचन करता है, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड या पेप्टाइड में बदलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लाइपेज। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, यहाँ पे लाइपेज। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, एक छोटे बच्चे के भोजन में किस पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य से अधिक दी जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों में शरीर निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, तो शरीर निर्माण का कार्य करता है प्रोटीन, तो प्रोटीन ज्यादा दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे पहला ISI मार्क किस पर लगाया गया था, दोस्तों सबसे पहले ISI मार्क लगाया गया था तिरंगे पर। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो 1955 में बना था। इस मार्क का नाम बदल करके 1987 में BIS हो गया है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो भारत का राष्ट्रीय मानक संगठन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में निम्न में से हैदराबाद में क्या स्थित है, तो दोस्तों हैदराबाद में निन, यानी कि NINA एक पोषण संबंधी न्यूट्रिशन संबंधी संस्था है, NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट दोस्तों, डोपिंग की जांच के लिए शरीर के निम्न में से किन पदार्थों का परीक्षण लिया जाता है, तो कई बार बताया गया है यूरिन का जांच किया जाता है, मूत्र का जांच किया जाता है, जब उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो रक्त का भी जांच होता है। नेक्स्ट दोस्तों, गैस क्रोमेटोग्राफी तथा मास स्पेक्ट्रोमेट्री नामक तकनीक का प्रयोग निम्न में से किसकी जांच के लिए किया जाता है दोस्तों, तो गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री नामक तकनीक का प्रयोग डोपिंग की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपकरण शारीरिक शिक्षा की फिजियोलॉजी लैब में नहीं आता है, तो दोस्तों स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, लैक्टिक एसिड एनालाइजर सभी आते हैं, पर स्टेरियोमीटर नहीं आता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस ओलंपिक में किस राष्ट्र अध्यक्ष ने और किस खिलाड़ी को गले में पदक पहनाने से मना कर दिया था, तो वह था दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक में हिटलर ने जेसी ओवन को पदक पहनाने से मना कर दिया था, जबकि जेसी ओवन जो 1936 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों, 100-200 मीटर दौड़ एंड बाधा दौड़ एंड 4x100 मीटर रिले रेस में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीता था, इसको हिटलर ने पहनाने से पदक मना कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन खेलों में कौन सी संस्था संचालित करती है, तो एशियन खेलों को दोस्तों संचालित करने वाली संस्था होती है OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो एशियन खेलों को कौन सी संस्था संचालित करती है, जैसे ओलंपिक खेलों को पूरे वर्ल्ड में संचालित करती है IOC, उसी प्रकार एशियन खेलों को संचालित करती है OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका गठन 1982 में हुआ था, इसका मुख्यालय कुवैत के शहर हवाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ होता है जिसमें सभी विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, तो दोस्तों दूध जो है ऐसा है जिसमें सभी विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे शरीर में दूध को पचाने वाला कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो हमारे जो पेट या स्टोमच होता है, आमाशय होता है, उसके अंदर रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो दूध को केसीन यानी कि दही में बदल देता है। नेक्स्ट दोस्तों, केरी जाधव ने किस ओलंपिक तथा किस देश में भारत के लिए एकल स्पर्धा में पहला पदक अर्जित किया था, तो दोस्तों केरी जाधव जो है 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में कुश्ती में भारत की तरफ से एकल स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने केरी जाधव, कुश्ती में उन्होंने 1952 हेलसिंकी में कांस्य पदक जीता।
नेक्स्ट है, एक टेस्ट क्रिकेट मैच के एक ओवर में कितने बाउंसर अनुमत हैं? तो दोस्तों 2 बाउंसर अनुमत हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिया नामक शहर किस देश में स्थित है? दोस्तों आप सबको पता है यह ग्रीस में है, यानी यूनान में है। नेक्स्ट है, सेट शॉट का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों मेरा पर्पज है ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम की, ज़्यादातर बीपीएससी में जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है गेम से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गेम से भी क्वेश्चन है, तो आप ऑल फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के पर्पज से ये सब बताया जा रहा है। तो सेट शॉट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है दोस्तों? तो बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट दोस्तों, महिलाओं के लिए भाले का भार कितना होता है? तो आप सबको पता है महिलाओं के लिए 600 ग्राम और पुरुषों के लिए 800 ग्राम भार होता है जेवलिन का। नेक्स्ट दोस्तों, अपेंडिक्स नामक शारीरिक अंग मानव शरीर के लिए आदिकाल में क्या कार्य करता था? तो ये भी एक अवशेषी अंग है अपेंडिक्स भी, और कि पहले ये पाया जाता था जो हमारा छोटी आंत है उसके जस्ट अंत में एक पूंछ के समान पाया जाता था, बड़ी आंत में लटका हुआ होता था, जो सेलुलोज के पाचन का कार्य करता था उस समय, यानी कि कच्चे भोजन को पचाने में ज़्यादा मदद करता था अपेंडिक्स। अब यह नहीं पाया जाता है, एकदम लुप्त हो चुका है, एक अवशेषी अंग माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा रक्त अशुद्ध है यानी डी ऑक्सीजनेटेड कहाँ पर होता है? आपको पता है धमनियों में, आर्टरीज में शुद्ध रक्त बहता है, जो सिराओं में जो वेंस होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो सिराओं यानी कि सिराओं में अशुद्ध रक्त यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से गोनियोमीटर क्या मापता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोनियोमीटर से जोड़ों का कोण या लचकता यानी फ्लेक्सीबिलिटी मापा जाता है। नेक्स्ट है, रोअर्स कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रोअर्स कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पाए जाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों तो यह जो आसन दिया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होगा घ, लेकिन इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ था। तो याद रखिएगा, अब पूछेगा तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राइट होगा। नेक्स्ट है, भोजन हमारे भोजन में खाए गए आयरन द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो आयरन जो होता है वो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो आयरन और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि हीम से मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है, तो यह आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, ऑक्सीजन को लेकर शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन के द्वारा एटीपी जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से मिलकर एटीपी का निर्माण करता है, जो हमारे मांसपेशियों में एटीपी इकट्ठा होकर के जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो ऊर्जा हमें देता है जिससे हम कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ नामक महिला खिलाड़ी के चर्चित होने का संबंध किस ओलंपिक से है तथा उसका संबंध किस देश से है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ जो है ऐसी जो है महिला है और इसका संबंध दोस्तों 1960 रोम ओलंपिक से है, जो विल्मा रुडोल्फ जो है अमेरिका की थी और 1960 रोम ओलंपिक में इन्होंने 200 मीटर एंड 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। दोस्तों आप विल्मा रुडोल्फ के बारे में पढ़िएगा, इसकी जीवनी और इसका बायोग्राफी, तो आप जानेंगे कि ये कैसी महिला थी। दोस्तों ये विल्मा रुडोल्फ जो है 19 औलादों में से 17वें नंबर की थी और 4 साल में हृदय रोग से ग्रसित हो गई और 11 साल तक एक ठीक से विल्मा रुडोल्फ चल भी नहीं पाती थी और आगे चलकर यह 100 मीटर दौड़ में दौड़ को 11 सेकेंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। दोस्तों हमारे और आपके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, इसके पास भगवान ने कम से कम 11 साल बहुत होता है जब तक वो चल भी नहीं पाती थी, तो ये जब कर सकती है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से क्या एक लीवर का कार्य नहीं करता है? तो क्रिकेट का बैट करता है।
स्क्रू पेश करता है, पूरी जो गोल घूमती है वो भी करता है, हॉकी का गेंद नहीं करता है। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी लीवर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों प्रथम श्रेणी लीवर को संतुलन का लीवर कहा जाता है, अद्वितीय प्रकार के लीवर को बल का लीवर कहा जाता है, और तृतीय श्रेणी लीवर को गति का लीवर कहा जाता है। प्रथम श्रेणी लीवर में एक्सिस बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है, तृतीय श्रेणी के लीवर में फोर्स यानी कि बल बीच में होता है। नेक्स्ट दोस्तों गति के नियम बनाने वाले सर आइजैक न्यूटन निम्न में से क्या थे। तो दोस्तों यह ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री थे जो न्यूटन हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, इतना जरूर याद रखिएगा कि न्यूटन जो है 1687 में अपने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के तीन नियमों को प्रकाशित किए, जड़ता का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शारीरिक क्रिया द्वितीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है। तो दोस्तों ए लीवर एंड न्यूटन लॉ ये दोनों पूछा हुआ था, इसको अच्छे से रट के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन गलती मत कीजिएगा। दोस्तों मैंने लीवर और न्यूटन गति जो नियम है दोनों को अच्छे से समझाया हुआ है। तो कौन सा शारीरिक क्रिया द्वितीय श्रेणी का लीवर का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जबड़ों का खोलना बंद करना, यह द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के लीवर में भार यानी रेसिस्टेंस बीच में होता है, जिसमें हमारे शरीर में एग्जांपल है प्लांटर फ्लेक्शन यानी कि पंजों के ऊपर उठना यानी खड़ा होना, एंड पुशअप लगाना, जबड़े का खुलना बंद होना, एंड बास्केट व वॉलीबॉल में पंजे से जंप लेना, ये सभी द्वितीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी में जो फोर्स बीच में होता है, जिसमें हमारे शरीर में एग्जाम्पल है आर्म फ्लैक्शन, थाई फ्लैक्शन, हेमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मुड़ना, सीट अप एंड हाथ को ऊपर को उठाना। जबकि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म, एंकल फ्लैक्शन, सिर का आगे और पीछे झुकना, वॉलीबॉल में स्मैश करना, वी सीट अप आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का संबंध जैव यांत्रिकी में किससे है। तो दोस्तों भार से है, जहाँ समस्त भार करता है, जिस बिंदु पर समस्त भार कार्य करता है वहीं पे सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ पॉइंट होता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वहीं पे कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर वस्तु हवा में हो तो निम्न में से क्या बदलाव के लिए असंभव है। तो दोस्तों अगर हवा में होगा तो उसमें एक धूल कण आपस में चिपकेंगे तो उस वस्तु के भार में बदलाव हो सकता है, वस्तु गति में धीमी गति या तेजी हो सकता है, वस्तु की स्थिति में बदलाव हो सकता है, बट वस्तु के आकार में बदलाव नहीं हो सकता। नेक्स्ट दोस्तों प्लांटर फ्लेक्शन नामक गति सिर्फ शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो प्लांटर फ्लेक्शन गति के द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, जिसमें पंजे के बल खड़ा हुआ जाता है। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन में तो ये आपका होता है एंकल में यानी टखने में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारी कोहनी निम्न में से कौन सी गति नहीं कर सकती। तो जो कोहनी होता है, एल्बो होता है, इसे हिंज ज्वाइंट कहते हैं, और ये एक तल में गति करती है, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है तो इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्रोनेशन मूवमेंट हो सकता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्रोनेशन मूवमेंट हो सकता है, बट घूर्णन यानी रोटेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हाथ की उंगलियों को शरीर के मध्य रेखा की ओर मोड़ना क्या कहलाता है। तो हाथों को जो है शरीर की मध्य रेखा की तरफ इनवर्सन कहलाएगा। ठीक है, फ्लेक्शन मतलब होता है मोड़ना, एब्डक्शन मतलब शरीर की पोजीशन से दूर ले जाना यानी हाथ को बगल में उठाना, और एडक्शन मतलब फिर वापस शरीर की तरफ लाना। नेक्स्ट है चल संधि के पास जहां साइनोवियल नामक तरल पदार्थ पाया जाता है उस कैप्सूल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस प्लूरा नहीं होगा, ग्लोमेरुलस नहीं होगा, वुमेन कैप्सूल नहीं होगा, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा फाइबरस कैप्सूल।
फाइबर ज्वाइंट नहीं होगा, खाली कैप्सूल होगा। फाइबर ज्वाइंट कहेगा तो अचल संधि में आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर की गेंद अंदर यानी लेग स्टंप पर न जाकर बाहर ऑफ स्टंप पर जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दूसरा, उसे दूसरा कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान दूसरा नामक एक गेंदबाज था के आविष्कारक थे। दूसरा, ठीक है, सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के जो थे वही दूसरा नामक गेंदबाजी के आविष्कारक थे। दूसरा का गुरु मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका को माना जाता है। इस तरह की गेंद हरभजन सिंह और सेन वार्न भी किया करते थे। नेक्स्ट है, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के प्रथम चरण में ऊर्जा कोशिका में कहाँ बनती है? तो दोस्तों, जो हमारी जो आंतरिक श्वसन होती है, जो कोशिकीय श्वसन होती है, उसमें दो स्टेप होते हैं, एक अनएरोबिक रिस्पायरेशन, एक एरोबिक रिस्पायरेशन। जो अनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिसे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहते हैं, वो कोशिका द्रव में यानी कि सार्कोप्लाज्म में संपन्न होता है, जिसमें 2 ATP यानी 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का अपघटन होता है और उसके बाद जो 2 पाइरुविक अम्ल होता है वो जाता है माइटोकांड्रिया में, जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का अपघटन होता है और जो है 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिकीय श्वसन में, आंतरिक श्वसन में एरोबिक रिस्पायरेशन में 2 ATP और अनएरोबिक रिस्पायरेशन यानी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में 2 ATP का निर्माण होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि क्रेब्स चक्र यानी माइटोकांड्रिया में जो है 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिकीय श्वसन के द्वारा कुल 38 ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यूनान से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, पैलेस्ट्रा जो है वो यूनान से ही संबंधित है, टाइगेस पर्वत भी है, पिंडार भी है, कोलेजियम नहीं है, ये रोम से संबंधित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।